हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो एक अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाला है बटरफ्लाई स्मार्ट ग्लास डबल बर्नर गैस स्टोव का। साथ ही मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, इसके सारे प्रोस एंड कॉन्स आपको इस वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो मैं गैस बर्नर यूज़ कर रही थी वो 17 साल पुराना था और लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दिखने में थोड़ा आउटडेटेड आउट फैशन था लेकिन एज सच यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना अपने किचन को एक न्यू लुक दिया जाए, तो मैंने ये बर्नर परचेज़ किया है। तो चलिए देखते हैं इसे। बहुत अच्छी तरह पैकिंग में आया है ये, इसको खोलना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो कोई भी ग्लास डैमेज होने का चांस बिल्कुल ही नहीं है। ये मैंने निकाल लिया है इसको, बहुत ब्यूटीफुल पैकिंग है और बर्नर भी बहुत सुंदर है। जो पहला इम्प्रेशन इसका मुझ पर है वो कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी इसमें लो क्वालिटी का नहीं है। ये जो स्टैंड मैं देख रही हूँ ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये स्पिल ट्रे स्क्रूज से अटैच है, इसको निकालना पॉसिबल नहीं है। अभी तक मेरी गैस में ये निकल जाता था, मैं इसको निकाल के अच्छे से वॉश कर लेती थी, लेकिन इसमें ये बहुत अच्छी तरह स्क्रूज से फिट है। तो इसको अगर कुछ दूध चाय निकल जाती है तो आपको पूरा अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा, ये नहीं कि स्पिल ट्रे निकाल के आप धो लें। और जो स्टैंड है ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ भी हिलना डुलना नहीं होगा इसमें अगर कुछ आप रखेंगे, और ब्यूटीफुल तो बहुत सुंदर है। स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल, जो दो चीज़ें हैं ये अभी तक मुझे पता लग चुकी हैं इसकी। और ग्लास टॉप टफेंड है, कुछ कॉशंस भी इसमें दिए हुए हैं जो मैं आपकी आपको बताऊँगी। और जो इसका अटैचमेंट आप देख रहे हैं पीछे की तरफ वो फ्लेक्सिबल है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करके अपना गैस पाइप अटैच कर सकते हैं इससे। जो कॉशन इस पे लिखे हुए हैं, जो सावधानी आपको रखनी है वो ये कि सिर्फ जब ये बहुत गर्म हो रोटी सेकने के बाद में या किसी और ऑपरेशन के बाद में, तो इसे तुरंत आपको ठंडे पानी से नहीं पोंछना है, इससे इसका ग्लास ब्रेक हो सकता है। और जो बाटी कुकर होते हैं बहुत बड़े वाले जो उल्टे करके रखे जाते हैं, वो इस पे गैस पे नहीं रखने हैं। मतलब ग्लास टफेंड है लेकिन किसी भी बहुत सडन टेम्परेचर राइज से ये ब्रेक हो सकता है, तो ऐसा कोई काम नहीं करना है। और जब ये गर्म हो तो गीला पानी नहीं यूज़ करना है। और कुछ बहुत नॉर्मल सी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि जनरली हम लोग नहीं करते हैं, तो डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। बाटी कुकर और अवन के लिए मना किया गया है, इससे ग्लास बहुत तेज़ गर्म हो सकता है और ब्रेक भी हो सकता है। नॉब भी बहुत अच्छे स्टैंडर्ड क्वालिटी के और स्ट्रॉन्ग हैं, और ऑटो इग्निशन नहीं है इसमें, इंस्टॉल आपको खुद ही करना पड़ेगा, जो कि बहुत इजीली आप एक पाइप गैस पाइप निकाल के पीछे अटैचमेंट में ऐड कर सकते हैं, मैंने कर लिया बहुत इजीली। तो ये हमारा नया मैंने किचन में रख लिया है गैस स्टोव, और आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर लग रहा है, पूरी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, अनस्क्रैचेबल ग्लास है, ग्लास में कोई स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ना है। कॉशंस कुछ दिए हैं, द कुकटॉप ग्लास इज टफंड बट ब्रेकेबल, तो सबका मतलब यही है कि जब ये ग्लास आपका गर्म हो तो आप इस पर ठंडी कोई चीज़ ना डालें, सडन टेम्परेचर चेंज इसको नुकसान कर सकता है। ये देखिए नॉब में मैंने पाइप अपना गैस पाइप अटैच कर लिया है और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है। तो चलिए इसे ऑन करते हैं। जैसे एक फ्लेम बड़ी होती है और एक चूल्हा थोड़ा छोटा होता है, तो ये बड़ा वाला है। अगर हम प्रोस की बात करें इसके तो ये बहुत ब्यूटीफुल है, स्ट्रॉन्ग है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। ग्लास टॉप भी इसका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मजबूत है, कॉम्पैक्ट है, छोटी सी जगह भी अगर आपका किचन छोटा सा है तो उसमें भी ये ईजिली फिट हो जाएगा, और स्टैंड बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात इकोनॉमिकल है ये। कॉन्स में इसके कुछ पॉइंट्स मैंने नोटिस करे हैं कि आपको थोड़े प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे इसे यूज़ करते समय, और एक इमीडिएटली आप क्लीन नहीं कर सकते रोटी बनाने के बाद में, और स्पिल ट्रे अटैच नहीं है इसकी, स्पिल ट्रे में कुछ निकल जाता है तो धोने में बहुत आसानी रहती है, वो वाली फैसिलिटी इसमें नहीं है। और गैस पाइप अगर साइड में होता है गैस के तो थोड़ा सा स्पेस सेविंग होता है, इसमें पीछे है तो थोड़ी सी जगह आपको छोड़नी। तो ये थे इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स, अब आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये लेना है या नहीं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।